नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उदयपुर वाटी जहां कस्बे में एक तरफ जगह जगह पौष बड़ा प्रसादी का आयोजन किया जा रहा है, वहीं बुधवार को पुरानी सब्जी मंडी व नई सब्जी मंडी के बीच में दुकानदारों ने पौष बड़ा प्रसादी का आयोजन किया। दुकानदारों ने भगवान के भोग लगाकर पैदल राहगीरों व दोपहिया वाहन चालकों को गरम गरम कोफ्ता का प्रसाद वितरित किया। पौष बड़ा प्रसादी का कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक चला। इस दौरान इरफान गौरी खंडेला वाले, प्रकाश सैनी, राजू सैनी, विष्णु बाटू, शंभू सैनी, जीतू राम, महावीर हलवाई, उमेद अली, विष्णु सोनी सहित कई लोग मौजूद रहे। के अंदर सब्जी मंडी रोड के ऊपर पौष बड़ा का आयोजन किया गया। इसमें बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। लोगों ने प्रसादी ग्रहण की और बहुत नई साल के साथ शुभकामनाएं भी दी। कितने बजे तक हुआ था ये प्रोग्राम? 10 बजे से स्टार्ट हुआ, 5 बजे तक समाप्त हुआ है। बहुत शांतिपूर्वक प्रोग्राम रहा, इसके लिए लोगों ने खूब रुझान से प्रोग्राम में साथ दिया और दुकानदारों ने भी खूब सहयोग से इसका। नाम क्या भाई? मेरा प्रकाश सैनी, दुकानदार। भीड़ भी काफ़ी रही, क्या कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ, क्या कहिए? 11 बजे से चल रहा है यहाँ पर, और हर साल में ये चलता रहता है बहुत बड़ा प्रोग्राम, और यहाँ पे 11 बजे से चल रहा है बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और सुबह से यानी ये प्रसाद के लिए हर चीज़ सारे सुबह से खाने के लिए लग रहे हैं, यानी कि आ रहे हैं, जा रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और आज बुधवार को जो है, और सारे दुकानदार है, राजू भाई साहब है, हमारे विष्णु भाई साहब है, और हमारी ये परदेश भाई साहब है, मतलब जूते वाली दुकान पर, ये सब मिलकर सब दुकानदार के सहयोग से ये कार्यक्रम हर साल हर बांसी हर साल होता है।